नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 4 का हम चौथा भाग कर रहे हैं, जो कि है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर तीन रकमें हैं, तो तीनों के साथ जब स्क्वायर है तो हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करते हैं, जो कि हमारे सामने है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां देखने वाली बात यह है कि a किसके बराबर होगा, देखो पहली रकम 3a के बराबर, b किसके बराबर होगा दूसरी रकम, b किसके बराबर है यह है माइनस 7b के, c किसके बराबर होगा यहां है माइनस c, तो c बराबर होगा माइनस c के। इन वैल्यूज को हमें याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो हमारी ये वैल्यू बन गई ए स्क्वायर, ए किसके बराबर है पहली रकम 3a का होल स्क्वायर प्लस बी, बी किसके बराबर है बच्चों माइनस 7b इसके होल स्क्वायर प्लस सी किसके बराबर है बच्चों माइनस सी के, तो माइनस सी के होल स्क्वायर के बराबर, ये सी है। आगे है प्लस 2 इंटू ए, ए किसके बराबर है 3a के बराबर, इंटू बी, बी किसके बराबर है माइनस 7b के बराबर, प्लस 2 इंटू बी, बी बराबर है माइनस 7b के, इंटू सी, सी बराबर है माइनस सी के। यह भी पूरा नहीं हुआ, मैं अगली लाइन में लिख रहा हूं इसको, प्लस 2 इंटू सी, सी बराबर है माइनस सी के, इंटू ए, ए बराबर है 3a के। इसे हमने हल करना है, इसे हमने हल करना है। देखें सबसे पहले 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। आगे देखिए माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, प्लस इनटू प्लस हो जाएगा प्लस, 7 का स्क्वायर होता है 49, b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, प्लस इनटू प्लस प्लस, c का स्क्वायर होता है c स्क्वायर। आगे देखिए बच्चों ये तीन रकमें हैं, ये तीन रकमें अलग हैं, ये तीन रकमें अलग हैं और ये तीन रकमें अलग हैं, इन्हें हमने अलग अलग ही गुना करना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहां आएगा माइनस का निशान। 2 3 6, 6 को 7 से गुना किया 6 7 42, ए इंटू बी होगा ए बी। आगे प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 2 14, 14 को आगे कोई नंबर नहीं है तो ये आ गया 14, बी गुना सी हो गया बी सी। उसके बाद ये रह गई प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 3, यहां नंबर नहीं है तो 2 3 6, सी गुना ए सी ए, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, ये ए बी है, ये बी सी है, ये सी ए है, इनमें से कुछ भी आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकता। इसका मतलब यही हमारा प्रसार है जो हमें इस ब्रैकेट का करना था। उम्मीद करता हूं आपको यह भाग पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और यदि अच्छे से समझ आया तो बच्चों मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।